नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम थ्री फेज इन्वर्टर का 120 डिग्री मोड वीएसआई डिस्कशन करेंगे। मीन्स वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का 120 डिग्री मोड ऑपरेशन क्या होता है, उसका हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 180 डिग्री मोड का डिस्कशन किया था, जिस 180 डिग्री मोड के अपने कुछ एडवांटेजेस थे, साथ में अपने कुछ लिमिटेशंस थे। बच्चों, 120 और 180 में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि 180 डिग्री में जो कंडक्शन था वो 180 के रेंज में होता था, यहाँ पे कंडक्शन 120 है। आइए और डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ साथ हम 120 डिग्री के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ डेवलप करते हैं। तो बच्चों, थ्री फेज 120 डिग्री मोड वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का इन्वर्टर है, जिसमें हम चाहे तो 4 स्टेप्स या 6 स्टेप्स जनरली कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हर स्टेप में 60 डिग्री का कंडक्शन होगा। तो 60 डिग्री इंटू 6 का मतलब होता है टोटल 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट जो साइकिल होती है आउटपुट वोल्टेज की 360 डिग्री, उसको हम एनालाइज यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, इच थायरिस्टर का जो कंडक्शन रेंज होता है वो होता है 120 डिग्री, जिसमें 60 डिग्री इच स्टेप में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको और डिटेल में हम तब डिस्कस करेंगे जब इसका वेवफॉर्म एनालिसिस हम करेंगे। बच्चों, 120 डिग्री मोड में जो क्लोजिंग टाइम होता है थायरिस्टर्स का, वो 180 डिग्री मोड के मुकाबले 60 डिग्री कम होता है। 180 डिग्री में 180 डिग्री था क्लोजिंग टाइम, यहाँ पे 60 माइनस कर लीजिए तो 120 डिग्री ही क्लोजिंग टाइम है हमारे स्विच का थायरिस्टर्स का। यानी एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 180 डिग्री और 120 डिग्री मोड में, कि 120 डिग्री मोड से 60 डिग्री ज्यादा हमारा जो कंडक्शन टाइम होता है वो किसका होता है, 180 डिग्री मोड का। तो स्वाभाविक है आउटपुट वोल्टेज भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगा, मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम टोटल थ्री फेज सिस्टम ले रहे हैं, बैलेंस कंडीशन में हम देखते हैं 360 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 120 डिग्री मोड का जो पेयरिंग, जो कॉम्बिनेशन है, यानी तीनों फेज एक दूसरे से आउट ऑफ द फेज 120 के शिफ्ट पे रहते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब हम थायरिस्टर्स को, यानी जो पेयर ऑफ थायरिस्टर्स को जो हम सेलेक्ट करते हैं, फायरिंग करते हैं, तो एडवांस या फिर डिले देंगे वो कितना डिग्री का देंगे बच्चों, 120 डिग्री का देंगे। अब यह क्वेश्चन आएगा कि 180 डिग्री मोड और 120 डिग्री मोड में जो सिलेक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, क्या वो अलग अलग है या फिर कोई सिमिलैरिटीज है? तो बच्चों, ये भी हाई और मीडियम पावर लो पावर एप्लीकेशन के पर्पज से हम यूज कर ही रहे हैं। तो थ्री फेज लोड के हिसाब से अगर मेरा लोड हेवी होगा तो स्वाभाविक है मैं थायरिस्टर फैमिली के एलिमेंट को SCR को प्रीफर करूंगा, और अगर मेरा लोड नॉर्मल होगा तो उस कंडीशन में मैं IGBT, MOSFET, GTU यानी थायरिस्टर फैमिली के एलिमेंट और गिथा और थायरिस्टर फैमिली के एलिमेंट में गेट टर्न ऑफ, और हम अगर हम ट्रांजिस्टर फैमिली के एलिमेंट की बात करें तो IGBT और MOSFET को हम यूज करेंगे। अब बच्चों, इस सर्किट डायग्राम में आप देखिए, ये एग्जैक्टली वैसे ही सर्किट डायग्राम है जैसा 180 डिग्री मोड का थ्री फेज VSI का सर्किट डायग्राम था। यहाँ पे थ्री फेज में मेरे पास वह 6 पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे थायरिस्टर्स के, T1, T4, T3, T6, T5, T2। सिमिलरली इनके इंडिविजुअल एंटी पैरेलल में डायोड होंगे, जिसको फ्लाईबैक डायोड बोलते हैं, D1, D4, D3, D6 एज वेल एज D5 एंड D2। दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लाई वोल्टेज VS है, और कांस्टेंट के लिए फिल्ट्रेशन पर्पस पे हमने बैलेंस कांस्टेंट वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया है और उसकी कैपेसिटेंस C है। थ्री फेज लोड होगा बच्चों, 120 डिग्री मोड के कंडक्शन में हम रेसिस्टिव लोड कैलकुलेट करेंगे, और रेसिस्टिव लोड तीनों फेज का लेंगे जिसकी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगी RR, बाकी वोल्टेज अक्रॉस A और न्यूट्रल पॉइंट O के अक्रॉस VA हो, सिमिलरली VB और VC हो, और अगर मैं लाइन वोल्टेज कैलकुलेट करूं तो AB के अक्रॉस VAB, BC के अक्रॉस VBC और VC के अक्रॉस VCA। तो इस तरीके से हम यहां कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में यहां कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम टोटल इन सभी को मिला के इसका फेजर डायग्राम यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो टुकड़े टुकड़े में होगा, स्लॉट्स में होगा, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और हर किसी में हम इंडिविजुअल थायरिस्टर के अक्रॉस, इंडिविजुअल लोड के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, इंडिविजुअल कंडक्शन रेंज के अक्रॉस हम वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे और उसी को प्लॉट करके वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में स्टेप 1 में हम 0 से 60 डिग्री के बीच का कंडक्शन स्टार्ट करेंगे।